Hello guys, welcome back to the channel, and today we are going to discuss about the indicative planning. Plans and priority हम basically cover कर रहे हैं, and public administration lecture series as well as Indian administration lecture series available है channel पे. So don't forget to subscribe the channel, like the video, comment and share as much as you can. So without wasting much time, शुरू करते हैं हमारा lecture number 24 that will be based on the indicative planning. बेसिकली आपको पता होगा कि प्लानिंग, व्हाट इज़ प्लानिंग. प्लानिंग जो है वो सोशलिस्ट कंट्री की देन है. सोशलिस्ट कंट्री का एक बेसिक सा फंडा ये होता है कि जो कुछ है वो सब कुछ प्रॉपर्टी नाम की जो भी चीज़ें हैं आपके पास वो सब कुछ सोसाइटी की है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं है. आपको ये चीज़ बहुत अजीब लगती हो क्योंकि इंडिया के अंदर ये सिस्टम नहीं है. यस, इंडिया इज़ ए सोशलिस्ट कंट्री, हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है, बट हमारा जो मॉडल है सोशलिज्म का वो काफ़ी डिफरेंट है. अगर आप यूएसएसआर की बात करते हैं जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट डे रशिया, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर जो सोशलिज्म था वो काफ़ी अलग था. वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो सारी स्टेट की होती थी या सोसाइटी की होती थी. वहाँ पर कोई परचेज नहीं कर सकता था, कोई सेल नहीं कर सकता था, या कोई ऑन भी नहीं कर सकता, यानी कोई भी ओनर नहीं है किसी भी चीज़ का, कोई प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है. दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म. सो प्लानिंग सोशलिज्म से आया है. बेसिकली सोशलिज्म ये मानता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. तो वो क्या करते थे कि इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती थी, और इकोनॉमिक प्लानिंग में किस तरीके से कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, कहीं पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कहीं पर भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा. तो आपको पता होना चाहिए इसके अपोजिट में कैपिटलिस्ट थे यूएसए वाले. वो क्या थे कैपिटलिस्ट, बेसिकली कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर का है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो घर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किसी न किसी पर्सन से बिलोंग करती हैं. यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट कंट्री. सो मेजर डिफरेंस ऑफ प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ सोशलिस्ट कंट्री करते थे. यस, कैपिटलिस्ट कंट्री भी प्लानिंग करते थे, बट मेनली प्लानिंग सोशलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर होती थी. कैपिटलिस्ट कंट्री में प्लानिंग का उतना ज़्यादा रोल नहीं था. सो दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस था ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है. सोशलिस्ट प्लानिंग इज अ प्लानिंग बाय डायरेक्शन एंड कमांड, नॉट बाय इंड्यूसमेंट एंड इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर. अब आप एक वर्ड बार बार सुनते होंगे न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ने इंसेंटिव या फिर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है. वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से, वो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है ताकि इकोनॉमी ग्रो करे. यानी कि आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो होती हैं, इंडिया इज़ ए मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर जो प्लानिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट की ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाता है. तो हमारे यहाँ प्लानिंग सिर्फ डायरेक्शन और कमांड ही नहीं बल्कि इंड्यूसमेंट एंड इंसेंटिव पे बेस्ड होती है. दैट मीन्स कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं. सो सोशलिस्ट प्लानिंग बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड कमांड, ये करना है ऐसे करना है, ठीक है, अपनी एजेंसीज को कमांड दे दी. नहीं, आपको लालच देना पड़ेगा, आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे प्राइवेट सेक्टर को भी लाने के लिए कि आप आइए हमारे यहाँ, हमारी कंपनी, हमारी कंट्री में आप आइए, इंडस्ट्रीज लगाइए. सो यू हैव टू प्रोवाइड द इंड्यूसमेंट एंड इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर. कैपिटलिस्ट प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग नॉट बाय डायरेक्शन एंड कमांड बट बाय द इंड्यूसमेंट. कैपिटलिस्ट कंट्री में प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वहाँ पर प्लानिंग जो है वो इंड्यूसमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. इसलिए सोशलिस्ट प्लानिंग को इंपेरेटिव प्लानिंग बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सारा का सारा काम करती है. जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, इट परफॉर्म ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. और जो कैपिटलिस्ट प्लानिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटिव प्लानिंग बोलते हैं. इंपेरेटिव प्लानिंग को थोड़ा डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर, यानी कि जो सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर होती है. अंडर दिस टाइप ऑफ प्लानिंग डिसीजंस आर मेड थ्रू अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इंस्टेड ऑफ अ मार्केट सिस्टम. यहाँ पर मार्केट जैसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ एक अथॉरिटी होगी जो सारे डिसीजन लेगी. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड रेगुलेशन फॉर्म द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन. सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो डिसीजंस ले रही है, जो रेगुलेशन बना रही है, वो सारे के सारे क्या है, उनको फॉलो करने पड़ेंगे. देर इज़ द एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा. ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉम्पिटिशन जैसी. एंड मेन जो एम होता है इकोनॉमी का, डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड नॉट बाय द कंज्यूमर. जनरली आपको पता होगा जैसे अभी रिसेंटली प्याज के रेट बहुत बढ़ गए, किस वजह से, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई उतनी थी नहीं. तो क्या हुआ, मार्केट डिसाइड किया कि उसका रेट क्या होगा, जबकि सोशलिस्ट कंट्री में मार्केट डिसाइड नहीं करेगी, स्टेट डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए, कितना रेट रहेगा उसका, ठीक है.
तो यहाँ पर मेन एम जो होता है वो डिसाइड किया जाता है स्टेट के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा नहीं। और यहाँ पर प्लानिंग का मतलब होता है बैलेंस करना, बैलेंसिंग, राइट। तो आई होप आपको इम्पैरेटिव समझ में आ गया। ये इसीलिए इंक्लूड किया मैंने ताकि आपको इम्पैरेटिव और इंडिकेटिव में फ़र्क पता चल जाए। सॉरी, इंडिकेटिव प्लानिंग शुरू करते हैं। इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होता है, इट इज़ फाउंड इन द कैपिटलिस्ट एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, इंडिया में भी मिलती है ये, या और कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो होती है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके अंदर। एंड सॉरी, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिकेटिव मैथड ऑफ प्लानिंग वॉज एडवोकेटेड इन द कैपिटलिस्ट कंट्री। देखिए यहाँ पर दे रखा है इंडिकेटिव, नाम से देखिए इंडिकेट करना कि सिर्फ बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको डिटेल नहीं दी जाएंगे, आपको फ्रीडम मिलेगी उस काम को करने के लिए, सिर्फ इंडिकेशन मिलता है तो उसको बोलते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग। इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्टेड इन द फ्रांस, और फ्रांस में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसलिए इसको अदर जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी उन्होंने अडॉप्ट किया। इसका मेन जो एसेंस है पूरी इंडिकेटिव प्लानिंग का वो ये है कि दैट इट रिकॉग्नाइज नॉट ओनली द कंज्यूमर सॉवरेनिटी बट ऑल्सो प्रोड्यूसर्स फ्रीडम। सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स की इच्छाएं जो होती है, फ्रीडम जो होती है, उसका भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर मिल करके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, राइट। इट देन इन्वॉल्व्स अ मिडिल पाथ ऑफ प्लानिंग मैकेनिज्म, अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज़, एंड द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है वो प्लेज एन इंटीग्रेटिव रोल। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, जस्ट एन इंटीग्रेटिव रोल होता है, और वो बेसिकली हेल्प करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन सर्टेन क्रिटिकल एरिया ऑफ डेवलपमेंट। जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर पॉलिसी बनाने के लिए वो एक होलिस्टिक अप्रोच में हेल्प करती हैं। एंड इट डज नॉट इंटेंड टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि इंडिकेटिव प्लानिंग है तो बिल्कुल रोल जो स्टेट का रोल है वो ख़त्म कर दो, नहीं। स्टेट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो सोशल हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में स्टेट का रोल रहता है। एडवांटेज क्या है इंडिकेटिव प्लानिंग का, दैट प्लानिंग अथॉरिटी प्ले ए मीडिएटरी एंड फैसिलिटेटिंग रोल फॉर मैनेजिंग द इकोनॉमी। अब मेन जो काम है वो मार्केट कर रही है, लेकिन स्टेट क्या कर रही है, मीडिएटरी एंड फैसिलिटेटिंग रोल। यानी कि मार्केट को एक एज अ प्लेयर समझिए आप, और जो स्टेट है वो रेफरी की तरह है, वो साइड में खड़ा होकर के क्या कर रहा है, जस्ट एक देख रहा है कि खेल सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। सो इन द सेम वे द मार्केट प्लेज इट्स रोल एंड स्टेट क्या, वो सिर्फ मीडिएटरी का एक रोल प्ले करता है। इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली। इंडिकेटिव प्लानिंग इज अ परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज अ सिस्टम बिटवीन फ्रीडम एंड प्लानिंग दैट इन्जॉय द एडवांटेज ऑफ बोथ द मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी वाइल सक्सेसफुली अवॉइडिंग द डिसएडवांटेज यूजुअली कनेक्टेड विद दिस प्योर सिस्टम। दो प्योर सिस्टम होते हैं, एक होता है बिल्कुल फ्री और दूसरा होता है प्लान्ड इकोनॉमी। फ्री बिल्कुल स्टेट का कोई रोल ही नहीं है, स्टेट अलग से बैठा है स्टेडियम में देख रहा है गेम कैसे हो रहा है, कोई रोल ही नहीं है स्टेट का। और दूसरा है प्लान, सब कुछ हो स्टेट डिसाइड कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये दो प्योर सिस्टम, और दोनों प्योर सिस्टम के साथ कुछ डिसएडवांटेज जुड़ी हुई है। तो इंडिकेटिव प्लानिंग क्या है, इन दोनों की जो अच्छी खूबियाँ हैं वो उठा करके एक सिस्टम बना दिया उसने, राइट, इंडिकेटिव प्लानिंग ने। सो इट्स अ परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज अ सिस्टम बिटवीन फ्रीडम एंड प्लानिंग, राइट। यानी कि मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी के दोनों के एडवांटेज को ये इंजॉय करती है और डिसएडवांटेज को ये अवॉइड कर देती है, इंडिकेटिव प्लानिंग, फाइन। इंडियन प्लानिंग की बात करते हैं, कुछ यहाँ पर ऐड किए हैं मैंने इंडियन प्लानिंग के कुछ फीचर्स। जब प्लानिंग होती है तो ये काफ़ी सेंट्रलाइज्ड वे में होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक आपको इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। एक कुछ डायरेक्टिव होती है और कुछ इंडिकेटिव होते हैं, पार्टली डायरेक्टिव एंड पार्टली इंडिकेटिव। सिंस इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी तो कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि प्योर सिस्टम हमारे एग्जिस्ट करता है। इंडिया इटसेल्फ इज़ एन एग्जांपल ऑफ वेरियस थिंग्स, राइट। एक यूनिक ही सिस्टम डेवलप है इंडिया के अंदर। ऑब्वियसली इंडियन प्लानिंग इज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर, डेवलपमेंटल इन कैरेक्टर। द प्लानिंग प्रोसेस इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक बार प्लान कर लिया और दैट्स इट, नहीं, इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, चलती रहती है। So that is all about today, and next topic will be the constitutional amendment जो 73rd and 74th constitutional amendment हुए हैं, उसके बाद में किस तरीके से planning system change हुआ है, as well as decentralized planning for economic development and social justice। ये topic हम